विनय गोयल जी, मैं आप ही के पास आता हूं, चर्चा की शुरुआत करता हूं। इस लेटर को लेकर बहुत सारी बातें विपक्ष की तरफ से कही जा रही हैं, लेकिन इस बात को तो आप मानेंगे ना सर, पीआरओ के द्वारा ये लेटर लिखा गया, बाकायदा उनके उसमें साइन है और बाकायदा इसमें जिक्र किया गया है कि किस तरह से मुख्यमंत्री के मौखिक आदेश के अनुसार जो चालान हुए हैं उन चालानों को निरस्त किया जाए। या ये क्या दिखाने की कोशिश की जा रही थी पीआरओ की तरफ से, विनय गोयल जी जरा आप ही स्पष्ट कर दीजिए। शंकर जी, जो सारा प्रकरण सामने आया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इसके जांच के आदेश दिए हैं और तब तक उसके जो संबंधित व्यक्ति को उसके कार्य से हटा दिया गया है। और मुझे लगता है कि जो कांग्रेस अपने जमाने में भ्रष्टाचार की जननी रही और जिसने भ्रष्टाचार के नए नए कीर्तिमान स्थापित किए, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में एक पत्र को जिस प्रकार से मुद्दा बनाकर काम करने का प्रयास कर रही है, इससे साफ लगता है कि कांग्रेस के पास मुद्दों का अकाल है और वो छोटे छोटी बातों को तिल का ताड़ बनाना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने के लिए प्रदेश सरकार के जो युवा मुख्यमंत्री बहुत तेजी के साथ और जनहितकारी कार्य कर रहे हैं उससे लोगों का ध्यान बटाने के लिए इस प्रकार की चाल चलती रहती है और इस प्रकार के घटनाक्रम करती रहती है। विनय, विनय जी, ये कोई छोटी बात तो है नहीं। एक पीआरओ के नाम से बाकायदा लेटर हेड में ये बातें लिखी गई हैं और बाकायदा उसमें लिखा गया है कि मुख्यमंत्री ने मौखिक आदेश दे दिए हैं, आप चालान को निरस्त कर दीजिए। आप भी जानते हैं एक बार चालान हो जाता है तो उसको निरस्त करना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या अपने पद का दुरुपयोग अधिकारी इसी तरह से करते हैं? जिन्हें जांच के आदेश दिए गए हैं कि इसकी वास्तविकता परखी जाए कि वास्तव में है क्या।